अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से रहेंगे। हम लोग भी आप लोग भी दो सलम से अच्छे से हैं। तो आज की हमारी रेसिपी हम लोग क्या बना रहे हैं, खीमा आलू बना रही। तो इसकी मैं इसके लिए क्या ली बताती हूँ। ये 250 ग्राम खीमा है हमारा, और एक बड़ा प्याज है, और एक बड़ा टमाटा है, और आधा स्पून मिर्ची बुक्की, पाव स्पून हल्दी की बुक्की, पौना स्पून धनिया की बुक्की, हाथ का बना हुआ गर्म मसाला आधा स्पून, नमक अपने हिसाब से, थोड़ी सी कसूरी मेथी है, और अदरक लहसुन मिर्ची तीनों दरदरा मोटा मोटा पीस लिया मैंने पानी भिगा। तो पहला हम खीमा है ना वॉश करके रख दिए, पहला हम खीमे कुछ वो करेंगे, गलाएंगे अलग से और फिर भूनेंगे। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लोग मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा शेयर कर देना, और मैं कमेंट ज़रूर करना कि ताकि मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग को। तो गलाने के लिए हमको है ना थोड़ा सा हम पाव स्पून है ना अदरक लहसुन डाल के गलाएंगे। तो आधा नमक अभी गलाएंगे, आधा भुनने में डालेंगे हम। हल्दी भी आधी इसमें डालेंगे, आधी हम भुनने में डालेंगे। तो थोड़ा पानी डाल के हम अपने हिसाब से गलाएंगे इसको। तो उधर हमारा खीमा गल रहा है, तो अभी हम कढ़ाई में तेल गर्म पे रख दिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम थोड़ा सा पहले जीरा डालेंगे, तभी कांदे फ्राई करेंगे। बहुत झटपट बनने वाला कीमा है, बहुत बेहतरीन बनता है, आप लोग ज़रूर बनाना। तो कांदा हमारा फ्राई हो चुका है देखो माशाल्लाह। और अभी इसमें हम एक स्पून भर के हमारा अदरक लहसुन डालेंगे, हरी मिर्ची और साथ पिसा हुआ है। अभी सूखे मसाले हम डाल देंगे, तो ये दो आलू ली थी मैं बारीक बारीक कटिंग करके, अब ये भी इसके साथ भूनूंगी। तो अभी चम्मच पे थोड़ा सा पानी डाल के हम चम्मच धो के इसको बारीक पे दम पे रख देंगे। आलू भी हमारा गल जाएगा और मसाला भी अच्छा भुने जाएगा, वहाँ हमारा कीमा गल रहा है। तो बारीक पे हम इसको मसाले को भी भुनेंगे और इसमें आलू भी गल जाएगा। तो मसाला देखो माशाल्लाह हमारा अच्छा भुने गया है, तेल छूट गया है, तो अभी हमारा खीमा भी गल गया है देखो। तो अभी हम पूरा खीमा इसमें डालेंगे और हाथ में भुनेंगे। अब इसको फुल पे हम फास्ट पे पचका पानी सुखाएंगे। खीमे में थोड़ा पानी था, मैं साथ में डाल दी हूँ। हमारा आलू भी जब तक गल जाएगा, आलू में कसर है अभी थोड़ी, और खीमे में मसाला भी लगना चाहिए, तभी इसको हम लोग फास्ट पे अच्छा भूनेंगे। तो देखो हमारा मसाले का पानी सूख गया है खीमे का। तो अभी इसके में हमें ना एक शिमला मिर्ची डालेंगे, कटिंग करके रखी शिमला मिर्ची डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीमे में। तो मैं इस्तेमाल करके आप लोग भी इस्तेमाल करना अगर आप लोगों को पसंद है, तो नहीं पसंद है तो स्किप करना। मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है खीमे में, इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अभी पानी इसमें नहीं है, हम शिमला मिर्ची सिलो पर पकाएंगे ढक के। तो माशाल्लाह हमारा खीमा तैयार हो चुका है देखो आप लोग भी। तो अभी इस पर हम थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे, तो अभी हम मिक्स करके हम आप लोगों को सर्व करके बताएंगे। तो आज की रेसिपी हो गई हमारी तैयार, आलू खीमा बना दी। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो आप लोग मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो, और जो भी मेरे चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। और दुआ में याद रखो, इंशाल्लाह मैं भी आप लोग को दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।